कुदरत की नेमत के बीच इंसान की लिखी एक ऐसी इबारत है जो खूबसूरत भी है और बेहद पाकीज़ा भी, क्योंकि इसे सवारने का जिम्मा अभी भी कुदरत के पास है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कलाकृति है या कोई फनकारी है, लेकिन नहीं, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जिसे इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिहाज से तैयार किया है। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके, खासकर ग्लेशियर के पास बसे गांव में पीने के पानी का संकट होता है। वजह है यहां का लगातार कम तापमान, जो कि -30 डिग्री तक होता है। ऐसे में गांव वालों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ये वो गांव है जो 2700 मीटर से 4000 मीटर ऊंचाई वाले इलाके पर है। यहाँ बारिश भी मुश्किल से होती है। यही वजह है कि इन इलाकों में आइस तोपा बनाने का काम तेज हो रहा है, ताकि इनके जरिए जरूरत का पानी लिया जा सके, जो न सिर्फ पीने के काम आए बल्कि इलाके में होने वाली खेती, जिसमें सब्जियां, सेब या दूसरी फसलों का भी इस्तेमाल हो सके। लद्दाख में मौजूद फ्यांग मठ के करीब बने इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के सहयोग से तैयार किया गया है। इसे बनाने की टेक्निक भी खास है। पहले जरा आइस तोपा को समझिए। क्षेत्र में अप्रैल के महीने में तो तब किसानों को उन जगहों पर इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का पानी मिलता है, जहां पर ना ही कोई नदी है, ना ही कोई पानी का साधन है, और कहीं ना कहीं ये पूरे इस इलाके में हरियाली लाने में एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा योगदान भी दे रहा है, और आने वाले सालों में ये बहुत बड़ा जो गेम चेंजर होगा, खास तौर से तब जबकि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से पानी के साधन हिमालयी राज्यों में कम हो रहे हैं। इसको बनाने का वक्त भी खास होता है, और इसे बनाने की तैयारियां क्या हैं, जरा ये भी समझिए। बनाने के लिए ये सब, और कारगिल में 3 महीने बनाते हैं सब अच्छे से, तो मार्च एंड तक पूरा अच्छे से बना सकते हैं, लाइक पूरा फिट एंड ऑल। तो फिर उसके बाद कितने महीने तक इस ये जो ये सतोपा है या आर्टिफिशियल ग्लेशियर है एज अ वाटर सोर्स काम करता है? तो ये हिसाब से होता है कि ये साउथ डायरेक्शन फेस नहीं होना चाहिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नहीं होना चाहिए कि एकदम सूरज यहाँ से आगे तो ये पूरा एकदम से मेल हो जाएंगे या अप्रैल में से। तो अगर ये साउथ डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में आइस तोपा का साइट प्रेफर है ये, तो नॉर्थ डायरेक्शन में बनाएंगे अच्छे से, तो ये वाला जून जुलाई तक ही रहता है, लाइक तारचित में है विलेज। लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों का भले ही ये स्थानीय समाधान ना हो, लेकिन ये फौरी राहत और मदद करने वाला जरूर है, जो यकीनन इस इलाके में पानी की अनिश्चितताओं को कम करने में मददगार है। लद्दाख से अशरफ वानी, भारत तक।